आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। सदर बावकार जानते हैं हुजूरे पाक सल्लल्लाहु तआला ने वसल्लम की जाते अक्दस। कभी मैंने एक मसला कहा था मुजासा फरमा, अब आपने माहौल बना दिया, दिन खैराबादी पेश करता हूँ मुजासा फरमा। अब सुना के बाद ना भाई, अब सुन के बतलाइए। मैं फूलपुर की सरजमीन पर भी कहा था, पूरे हिंदुस्तान में अगर नंबर एक पर यही सुना जाता है तो झारखंड बकस पूरा एक दौर पड़ता है। एजाज भाई, मेरे अजीज दोस्त भाई, इन लोगों ने जैसा सुना है आज तक पूरी दुनिया ने उस तरीके से वीडियो को मैं नहीं देखा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आजम करके सरजमीन उस झारखंड की अपनी सरजमीन को शक्ति ब्रह्मांड भारत नशे के हर शय से है नुमान। अरे बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जिनके सदके में ये सारी कायनात बने। दिल खैरा बाली नबी पाक का सदका लेने के आज अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मकाम मेरे बने हैं, कुछ भी कोई मकाम नहीं है। ये असल जो है मकसद जो है मेरे सुनाने का, एक एक नौजवान जो शरीफ करने का है मुलाहदा फरमा। और जो कहूंगा संदल भाई है फारूक बेगम से हम मुलाहदा फरमा के हर शय से गए नुमाया नुमाया, हर शय से गए नुमाया जलवा 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 हर शय से गए नुमाया जलवा 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 मेरे नबी का हर शय से गए नुमाया हर शय से गए दुनिया दुनिया आती है सारी दुनिया सदका मेरे नबी का आती है सारी दुनिया सदका मेरे नबी का आती है सारी दुनिया। मेरे पुराने जनाब अजमल साहब इस मिसरे में शरीफ मौलाना मुनव्वर शमसुद्दीन प्रधान साहब, जनाब हाफिज हुसैन साहब, इस शेर के लिए मैंने मदीना मुनव्वर मुनव्वर फरमाया सदका मेरे नबी का सदका मेरे नबी का सदका मेरे नबी का के ऐसी है शान आपने दाद बहुत दे दी। आइए हिंदुस्तान के उस जगह का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के इस वक्त हिंदुस्तान का वो हिस्सा जिसको त्रिपुरा कहा जाता है, वहाँ के ईमान वालों पर क्या जुल्म। दिल खैराबादी एक मतला बनाता है। अल्लाह करे कि गैबी चौधरी साहब की ये खूबसूरत निजाम के हवाले से ये गायबाना मिसरा उन तमाम गायब लोगों के हवाले हवाले हो जाए। माशाल्लाह अल्लाह पेश करता हूँ मैं अपना कि अगर फिर आएगा,
माशाल्लाह जनाब हजरत सुफयान साहब जो अपने बच्चे को गोद में लिए हैं, दिल खैराबादी शेर हाजिर करता है कि एक बच्चा भी बिल्कुल बाप नजर आएगा। सफेद कोट वाला नौजवान जो है शुरू से आखिर तक चार पांच बच्चों को लेकर मुशायरे में कामयाब बना रहा है। दिल खैराबादी आपको मोहब्बत पेश करना चाहता हूँ और आपसे अभी तक चाहता हूँ। अगर फिर परत तो रफदारी रहेगी हमारे मुल्क में नफरत चिंगारी नहीं होती, मुल्क में नफरत चिंगारी नहीं होती। दूसरे मतलब पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह आपके इजाफा हो जाएगा। चिंगारी नहीं होती तबीयत में दुश्वारी नहीं तबीयत मुझे आपका जो अंदाज है सुनने से शायर को बहुत बड़ी गजा मिलती है, रूही गजा, रूहानी गजा इन तमाम लोगों से मिल रही है। बिल्कुल एक शेर ऐसा देखा के जाऊंगा इंशाअल्लाह। कभी मैंने कहा था कि सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा, सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा, चलो तौबा करें तौबा का दरवाजा खुला होगा। क्या कहें, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस नाचीज हकीर फकीर को मऊ से मैं आया खैराबाद से आपके इस आजमगढ़ में, आपने यहाँ से मुझे मुंबई का सफर कराया, फिर मुंबई से दुबई का सफर कराया, अरब इमारात में ये आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान है। खैराबाद का एक शेर और पेश करता हूँ ताकि मुझे वो मतलब कि तबीयत मुझे तरीर सांसों में दुश्वारी तबीयत मुझे
दुश्मनी नहीं होती, दुश्मनी नहीं होती। बोला हमें मुस्तफा को बीमारी नहीं होती। अब तैयारे शबली में ये उर्दू का अगला सा तालिब इल्म एक शेर हाजिर करना होता है, जिसके लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हुआ हूँ, जिसके लिए हजरत मौलाना नोमान साहब हो, चाहे हुसैन साहब हो, चाहे शेख सलाहुद्दीन साहब हो, चाहे आदिल शेख साहब हो, ये तमाम लोगों को शरीक करता हूँ। मौलाना कि जरूरत से ज्यादा मालो दौलत रख के क्या होगा, क्या कहने दिल साहब जुड़िएगा। जरूरत से ज्यादा मालो दौलत रख के क्या होगा, तबीयत से गुलामे मुझे तफा पूरी बीमारी नहीं होती। जरूरत से दौलत रख के क्या होगा, जरूरत से जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं दिल खयाबादी साहब, फिर इस शेर को पढ़ दी पढ़ दी माशा जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले मैं मुबारकपुर में इसे पढ़ा पढ़ा, हजरत गैरी गौरी गुरु साहब की अजामत में बहुत बड़ा मजमा मिला, मगर 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 दुआएं देने वाले मुझे शायद इतने ही लोग थे। उस बड़े मलेले में थे जहानागंज की सरजमीन पर पढ़ा पढ़ा, अल्लाह का शुक्र है जहानागंज वालों ने इस शायर को मोहब्बत दी है। फिर झारखंड के बकसबंगरा में पढ़ा, वहाँ अपने सोने पर धागा हो गया, यहाँ दयाल शिवली में जिस शेर से मुहर लग जाए तो जानता हूँ कि जमीन से आसमान तमाम मिसाल पहुंच जा रहा है। दयाल शिवली की एक बार बात को लगा दिया सुभान अल्लाह। जरूरत से ज्यादा मालो दौलत रखे क्या होगा, जरूरत से ज्यादा मालो दौलत रखे क्या होगा, कफन में जेब और तुर पर्दे में अलमारी नहीं होती, कफन में जेब और तुर पर्दे में अलमारी नहीं होती, कफन में जेब और तुर पर्दे अलमारी नहीं होती। नामे बहुत शुक्रिया।